नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुनाव दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली विच बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों के सशक्तिकरण लिए वचनबद्ध। सौनी दिया सारिया 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों के समर्थन मुल च वाधे नूं मंजूरी। सरकार ने कहा कि भारत को सौनी दिया फसलों के नाल नाल हाड़ी दिया फसलों की जरूरत नूं पूरा करन लई यूरिया का लोड़ींदा स्टॉक उपलब्ध। इक्की जून नूं मनाए जाण वाले कौमांतरी योग दिवस दीआं तैयारियां जोरां ते। भारत ते दक्षण अफ्रीका विचाले 5 टी20 मैचों की लड़ी का पहला मैच अज अरुण जेटली स्टेडियम विच खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली के प्रगति मैदान च बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे अते इकट्ठ नूं संबोधन भी करेंगे। अज तो शुरू हो रहा 2 दिन स्टार्टअप एक्सपो बायोटेक्नोलॉजी विभाग अते बायोटेक्नोलॉजी उद्योग खोज सहायता कौंसल वल्लों करवाया जा रहा है। कौंसल के 10 साल पूरे होने के सिलसिले च करवाए जा रहे इस नुमाइश का थीम आत्मनिर्भर भारत लई बायोटेक स्टार्टअप करना रखा गया है। यह नुमाइश उद्यमियां पूंजीकारियां सनअतकारां विज्ञानियां खोजियां निर्माणकर्तावां सरकारी अधिकारियों एक मंच से लियावेगी। इस मौके सेहत संभाल बायोफार्मास खेतीबाड़ी उद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी स्वच्छ ऊर्जा वर्गे वख-वख खेत्रां च बायोटेक्नोलॉजी के कार्यों को दर्शाते 300 तों वध स्टॉल लगाए जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबना लई सेहत नवे भारत का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आने वाले साल सेहत संभाल विच निवेश करन वाले लई होणगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सेहत संभाल सरकार के प्रमुख खेत्रां विचों एक है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों दौरान भारत में सेहत संभाल खेत्र को मजबूत करने के लिए चुके गए कदमों के वेरवे सांझे किए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सेहत खेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने हर भारतीय लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली सेहत देखभाल यकीनी बनाने और इस खेत्र नाल टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA दी मीटिंग दौरान साल 2022-23 लई सौनी दियां सारियां 14 फसलों समेत कुल 17 फसलों लई घट्टो घट समर्थन मुल यानी MSP नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली च पत्रकारां नूं जानकारी देंदिआं दस्सिआ कि मंजूर कीतियां दरां कुल भारत दी औसत उत्पादन लागत दा घट्टो घट 1.5 गुणा है। उन्हें कहा कि किसानों के सशक्तिकरण लई पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में कई कदम चुके गए हैं अते इस समय दौरान भारतीय खेती ने नवीं ऊंचाइयों को हासिल किया है। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी मिलता बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले घट्टो घट समर्थन मुल च सब तो वध वाधे की सिफारिश करदियां तिल के भाव च 523 रुपये फी क्विंटल, मूंगी के भाव च 480 रुपये फी क्विंटल और सूरजमुखी के भाव च 385 रुपये फी क्विंटल का वाधा किया गया है। मंत्री ने कहा कि इस नाल वधेरे निवेश और उत्पादन होगा। इस तो इलावा यह किसानों यकीनी लाभकारी भाव भी मुहैया करवाएगा और आत्मनिर्भर के टीचे हासिल करने मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि इस नाल स्वय निर्भरता वधेगी और दरामद निर्भरता घटेगी। देश च यूरिया की उपलब्धता बारे रसायण और खादा बारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत को सौनी दिया फसलों के नाल नाल हाड़ी दिया फसलों की जरूरत पूरा करने लई यूरिया का लोड़ींदा स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने भरोसा दवाया कि देश च दसंबर तक घरेलू जरूरतों पूरा करने लई स्टॉक उपलब्ध है और दसंबर तक यूरिया बाहरों मंगवाने की लोड़ नहीं है।
मांडविया ने यह भी कहा है कि कौमांतरी बाजार च खादा दी कीमतों गिरावट आने की संभावना है और अगले छे महीनों दौरान कीमतों होर हेठा आ सकदियां ने। उन्हें कहा कि खाद दी कीमतों वधन नाल सरकार वालों किसानों ते कोई बोझ नहीं पैन दिता गया सगों सबसिडी दी जा रही है। उन्हें कहा कि सरकार दियां खेती संबंधी नीतियों नाल खेती अते खेती दे नाल जुड़ियां वस्तां दी बरामद वधी है जिसका लाभ किसानों नूं मिल रहा है। 21 जून को कौमांतरी योग दिवस मनाया जा रहा है जिस दी तैयारियां सिर्फ भारत में ही नहीं सगों विदेशों में भी चल रही ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव मौके इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस खास हो निबड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर में करवाए जाने वाले मुख समागम की अगवाई करेंगे। इस समय देश में वक-वक 75 विरासती थावां ते भी योग क्रियावां के विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं जो मैसूर के मुख समागम नाल वर्चुअल माध्यम राही जुड़नगे। भारतीय परंपरा विच शरीरक मानसिक ते अध्यात्मक तौर ते योग दी विशेष महत्ता है अते वक-वक योग क्रियावां राहीं रोग मुक्त अते खुशहाल जिंदगी जीण दी कला सिखी जा सकती है। फ्रांस दे चैटो रोक्स विच चल रहे पैराशूटिंग विश्व कप मुकाबले विच भारत ने तीजा सोन तमगा जीतिया है। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल अते रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर P6 एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट विच सोन तमगे ते निशाना लगाया। नरवाल अते फ्रांसिस दी जोड़ी ने यांग चाओ अते मिनली दी चीनी जोड़ी नूं 17-11 नाल हराया। भारत अते दक्षण अफ्रीका विचाले 5 मैचां दी T20 दा पहला मैच अज शाम 7 बजे नवी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेडिया जाएगा। कप्तान KL राहुल दक्षण अफ्रीका खिलाफ मौजूदा T20 लड़ी चो बाहर हो गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सारे 5 मैचों दौरान KL राहुल की थान टीम इंडिया की कमान संभालणगे। बीते दिन प्रैक्टिस सैशन दौरान बल्लेबाजी करदिया राहुल के सज्जे हाथ से सट लग गई सी। पंत भारत के 8वें T20 टीम के कप्तान ने हुण KL राहुल की गैरहाजरी ईशान किशन अते ऋतुराज गायकवाड़ इस लड़ी च ओपनिंग करते नज़र आ सकते हैं। भारत अते दक्षण अफ्रीका दीआं टीमां विचाले 9 तों 19 जून तक 5 T20 मैच खेडे जाणगे। दूजा मैच 12 जून नूं कटक, तीजा मैच 14 जून नूं विशाखापट्टनम, चौथा मैच 17 जून नूं राजकोट अते पंजवां मैच 19 जून नूं बेंगलुरू विच खेडिया जाएगा। दक्षण अफ्रीका की टीम 2019 तों बाद पहली बार भारत विच T20 मैच खेडेगी। पंजाब विच लगातार बढ़ रही गर्मी नाल आम लोग बुरी तरह नाल प्रभावित हो रहे हैं। बीते दिन तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। पटियाला, जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लुधियाना च पै रही तेज़ गर्मी नाल दोपहर वेले सड़कां ते आवाजाई घट वेखण नूं मिली है। दोपहिया वाहन चालक तेज़ गर्मी तो बचण लई मूँह सिर ढक के सफर करते नजर आउंदे ने। मौसम विभाग अनुसार 10 जून तो बाद मौसम बदलण की संभावना है। फिलहाल लू कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी तो राहत हासिल करने लिए लोग AC अते कूलरां दी भरपूर वरतों कर रहे हैं जिसका सीधा असर बिजली की मांग ते पै रहा है। सूबे विच बिजली की मांग 10,000 मैगावाट तो टप गई है जिहड़ी लंघे वरे नालों 1,000 मैगावाट वधे। दूजे पासे पंजाब राज पावर कारपोरेशन ने किसानों नूं झोने की बिजाई लई 10 जून तो पड़ावा ढंग नाल घट्टो घट 8 घंटे बिजली की सप्लाई देण दा भरोसा दिता है। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों के सशक्तिकरण लई वचनबद्ध। सौनी दियां सारियां 14 फसलां समेत कुल 17 फसलां दे समर्थन मुल च वाधे नूं मंजूरी। सरकार ने कहा कि भारत को सौनी दियां फसलां दे नाल नाल हाड़ी दियां फसलां दी जरूरत नूं पूरा करन लई यूरिया दा लोड़ींदा स्टॉक उपलब्ध। इक्की जून नूं मनाए जाण वाले कौमांतरी योग दिवस दीआं तैयारियां जोरां ते। भारत अते दक्षण अफ्रीका विचाले 5 T20 मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज नवी दिल्ली दे अरुण जेटली स्टेडियम विच खेडिया जावेगा। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने वेले तुसी भी मास्क लगा के जरूर जाओ। इजाजत दो, नमस्कार।